अब क्या करोगे रॉनी? एक नई सच्चाई की जिंदगी शुरू करोगे या वापस पुराने जुर्म के रास्ते पर? तुम और नहीं भाग सकते रोनी। ऐसा तुम सोचते हो? इस बार तो तुमने मुझे पकड़ लिया है शक्तिमान, लेकिन मैं लौट के जरूर आऊंगा, याद रखना। मेरी आंखें खराब हो गई हैं या फिर मेरा पुराना दोस्त वेहान ही शक्तिमान है? मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा मेरे दोस्त, और फिर मैं अपना हिसाब चुकता करूंगा। थोड़ी सी कमजोरी आ गई है जेल में रहकर, लेकिन तुम दोनों ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। राका तूफान। तुम कितने पतले हो गए हो, जेल में तुम्हें कुछ खाने को नहीं दिया क्या? फिकर नॉट, हम तुम्हें दावत पर ले जाएंगे। आजकल हमारा धंधा अच्छा चल रहा है। इन छोटे मोटे कामों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे पास बहुत बड़ा प्लान है, वाकई कमाल का प्लान। हम उस चूजे को पकड़ने वाले हैं जिसने मुझे जेल भिजवाया था। शक्तिमान? रॉनी, शक्तिमान एसीपी जैसा अनाड़ी नहीं है। वो एक डरपोक आदमी है, और मैं जानता हूँ शक्तिमान कौन है। शक्तिमान कौन है? शक्तिमान कौन है? शक्तिमान कौन है? कौन है? शक्तिमान कौन है? ओ सच में? चीज कहो। पर कौन सा? ओए होए, तुझे चीज बोलना है, खाना नहीं है, समझा दो। वैसे ये पिछले साल से तो अच्छी है, इसमें तुम कम बूंदू लग रहे हो। उम्मीद करता हूँ इस बार मेरी फोटो अच्छी आए। पिछले साल तो मैं एक फुटबॉल की तरह लग रहा था, वो भी मोटी वाली। चीज कहो। पनीर। क्या ये मत कहना कि बहुत बुरी है? ठीक है, इतनी भी बुरी नहीं है, सिवाय तुम्हारे फूगे हुए चेहरे के और उस पर ऐसी स्माइल। हमारा पीछा क्यों कर रहे हो?
दुश्मन के दुश्मन को हमेशा दोस्त कहते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? मेरा कार्ड, डॉक्टर जैको, जुर्म का साइंटिस्ट, खतरनाक चीजों का डिजाइनर, तबाही और डर का बादशाह। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें। अब मैं खुद अपनी कितनी तारीफ करूं, इतना ही काफी है। ओहो, मतलब तुम बहुत बड़े सनकी हो। मैं इम्प्रेस हुआ। बोलो, चाहते क्या हो? मैं शक्तिमान का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने उसकी सारी कॉमिक बुक्स पढ़ी हैं। मैंने कहीं से सुना है कि तुम जानते हो कि शक्तिमान कौन है। हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और मुझे जेल भेजने के लिए मैं उससे अपना बदला लेकर रहूँगा। तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे जानने से उसकी शक्ति कम हो जाएगी। अगर मैं उसे आज तक नहीं रोक पाया तो तुम्हारा तो सवाल ही नहीं बनता। तुम क्या मुझे धमकी दे रहे हो? तुम और तुम्हारे दोस्त मेरे खुफिया लैब में क्यों नहीं आ जाते? वहाँ हम बातें कर सकते हैं, ज्ञान की, संगीत की, और शक्तिमान को खत्म करने की। क्या मैं सच में इसमें इतना फूगा हुआ दिखता हूँ? एक्सक्यूज मी, मैं इस फोटो में कैसा लग रहा हूँ बताओ ना। अरे बाप रे, मैं बहुत मोटा हूँ। मैं सच में आलू जैसा लग रहा हूँ, छीला हुआ आलू। मुझे अपना वजन कम करना ही होगा। अच्छा हुआ आज मैंने लंच में कम खाना लिया है। अरे बाप रे, अगर मेरा फोटो इंटरनेट पर अपलोड हो गया तो हर लड़की मुझ पर जोर जोर से हंसेगी। ये फोटो तो मुझे बर्बाद कर देगा। चलो अब बताओ मुझे, आखिर कौन है शक्तिमान? उसका नाम वेहान है। शुरुआत तो अच्छी है, देखते हैं सर्च पर ये नाम मिलता है या नहीं। यहाँ तो हजारों वेहान हैं। उसका सरनेम क्या है? मुझे नहीं पता, मैं उसे सिर्फ वेहान के नाम से जानता हूँ, लेकिन वो भी मेरी तरह 21 साल का ही है। रुकिए, वही था, यही है वो, वेहान आर्या, सॉफ्टवेयर डिजाइन स्टूडेंट, इंडस सिटी यूनिवर्सिटी से। प्रोफेसर ज्ञानी का लैब असिस्टेंट? तुमने मेरा काम आसान बना दिया। मैंने तुम्हें बचाने के लिए रोका है बेवकूफों। अगर वेहान सच में शक्तिमान है तो तुम्हारे ये खिलौने उसका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। और मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा कि ये लड़का शक्तिमान है। ज्ञानी का असिस्टेंट तो बिल्कुल डरपोक और भोंदू है। ये किस एंगल से तुम्हें शक्तिमान नजर आ रहा है? लेकिन अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ उसे खत्म करने में। चौड़ाई 24, लंबाई 21। मैंने तो अपने टेलर से भी अच्छा काम किया है। खतरनाक है ये। इन सूट में लगी मोटर्स तुम्हारी लड़ने की ताकत को दुगना कर देगी, और तुम्हारा आमा न्यूक्लियर धमाके को बड़ी आसानी से झेल सकेगा। ये तो सिर्फ स्टील के फैंसी सूट लग रहे हैं। तुम यकीन से कैसे कह सकते हो कि ये ठीक से काम करेंगे? तो चलो पता लगाते हैं। ये तो कमाल का है। अब हम तीनों को कोई नहीं रोक पाएगा। आज से हम हैं त्रिशक्ति। कंप्यूटर लैब कहाँ है? वहाँ पर। मुझे कुछ कोड्स चेक करवाने हैं प्रोफेसर से। तुम दोनों से बाद में मिलता हूँ, बाय। कमाल के सूट्स हैं ये तो। मुझे किसी ने बताया नहीं कि यहाँ पर फिल्म की शूटिंग चल रही है। क्या कोई रोल वोल है मेरे लिए? हाँ, ये लो रोल। रोनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर शक्तिमान को ढूंढ रहा हूँ।
शक्तिमान? शक्तिमान बस तभी आता है जब किसी की जान खतरे में होती है। तो तुम खतरे में हो मेरी जान। हो क्या गया है तुम्हें? मैं जानता हूँ तुम ही हो शक्तिमान। ये क्या कह रहे हो तुम? विहान सिर्फ एक स्टूडेंट है, हम सब की तरह। सही कहा है इसने, विहान तो शक्तिमान के पैजामे में फिट भी नहीं होता, तो शक्तिमान होना तो दूर की बात है। जिस रात हम तुम्हारा पीछा कर रहे थे उस रात वहाँ कोई मौजूद नहीं था, फिर कैसे तुम्हारे गायब होने के ठीक 2 सेकंड बाद ही शक्तिमान अचानक वहाँ आ गया? ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है रोनी, मैं शक्तिमान नहीं हूँ बल्कि सॉफ्टवेयर बनाने वाला भोंदू हूँ। इसे अकेला छोड़ दो। लगता है अब मुझे हीरो बनने का मौका मिल जाएगा। ओए, तुम्हें मेरे दोस्तों का सामना करने से पहले पहलवान का सामना करना पड़ेगा, मोटू पहलवान का। मेरी तो हवा निकलने वाली है। तुम ठीक तो हो ना बम्पी? तुम दो दो दिखाई दे रहे हो वेहान। अगर तुम यहाँ बदला लेने आए हो क्योंकि मैंने एसीपी को बताया और तुम जेल चले गए, तो मेरे दोस्तों को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। और ये शक्तिमान की झूठी कहानियाँ बनाना बंद करो इसी वक्त। तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो तो ले लो, पर मेरे दोस्तों को अकेला छोड़ दो। मैं तुमसे आज सारा सच उगलवा के रहूंगा। बता दो, सबको बता दो कि तुम शक्तिमान हो, वरना मैं सारी यूनिवर्सिटी को उड़ा दूंगा। प्लीज रोनी, ऐसा मत करो, बाकी स्टूडेंट्स को जाने दो, इनका हमारे झगड़े से कोई लेना देना नहीं है। नहीं है, पर इनका शक्तिमान से तो लेना देना है ना। शक्तिमान इन सभी स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं होने देगा और तुम्हारा सच बहुत ही जल्दी बाहर आ जाएगा। गोलू, मैंने अभी अभी यूनिवर्सिटी के अंदर एक बॉम्ब डिटेक्ट किया है। कहाँ मम्मी, कहाँ? बिल्डिंग बी के हॉलवे में। सुनिए एसीपी, एक बहुत ही बुरी खबर है। जानता हूँ, मैं बुरी तरह हारने वाला हूँ। आपका क्या कहना है, पूरी बाजी लगा दूँ? मुझे लगता है आप पूरे बॉम्ब स्क्वाड को लेकर जल्दी से यहाँ आ जाइए, यूनिवर्सिटी में बॉम्ब है। क्या बॉम्ब? वहाँ नहीं अकल के दुश्मन, यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। ठीक है, मैं अपना गेम खत्म करके वहाँ आता हूँ। उफ, बेवकूफ, ये बॉम्ब मुझे ही डिफ्यूज करना होगा। गोलू, सफल की बेटा। प्रोफेसर, आप यहाँ क्यों आए हो? इस बॉम्ब से यूनिवर्सिटी में कोई भी जगह सेफ नहीं है। प्लास्टिक एक्सप्लोजिव्स, वो भी पुराने टाइमर के साथ, इन्हें डिफ्यूज करना मुश्किल नहीं होगा? मुश्किल ही नहीं ज्ञानी, इस बॉम्ब को डिफ्यूज करना नामुमकिन है। और अगर तुमने मेरे रिमोट के सिग्नल को रोका तो ये अपने आप फट जाएगा। और इसमें एक कैमरा भी लगा हुआ है, तुम्हारी घटिया शक्ल ज्यादा देर देखेगा तो ये फट जाएगा। इन बच्चों को जाने दो शैतान कहीं के। प्रोफेसर, क्यों शक्तिमान, लड़ते क्यों नहीं हो? विहान! 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 कैसे इंसान हो तुम? सब लोग शांत रहिए, अब सब बिल्कुल सुरक्षित हैं। आपके एसीपी बेस्ट बंदी बचाओ दूत हैं।
तो तुम लोग वो बदतमीज बेकार बदमाश हो जिन्होंने मेरा खेल बिगाड़ दिया। जल्दी हाथ ऊपर करो वरना मुझे गोली चलानी पड़ेगी। तुम लोग बहुत समझदार मालूम होते हो, मुझे मंजूर है। क्या मंजूर है ऑफिसर? यही कि पैंट उठाकर भागो। सोचो विहान, हर मुश्किल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है, सोचो। प्रणाम गुरुजी, आज मैं पूरे दिन से सच्चे मन से ध्यान लगा रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत अलग महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद की ही परछाई हूँ। आपको क्या दिखाई दे रहा है? वही सहज बुद्धिमान सच्चा शिष्य जो मैं हमेशा देखता हूँ वेहान। अद्भुत प्रदर्शन जाल था वेहान, मेरी आंखें भी नहीं पहचान पाई। मैं जानता हूँ शक्तिमान तुम ही हो वेहान। तुम बचपन में भी नाटक में जीरो थे और आज भी जीरो हो। मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। शक्तिमान, किसी और का इंतजार कर रहे थे क्या तुम? तो तुम आ ही गए, अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है। कहाँ चला गया वो? शक्तिमान, वो बॉम्ब। रोनी, तुम इसे फटने से नहीं रोक पाओगे शक्तिमान। हम इस धमाके से तो बच जाएंगे, लेकिन और कोई नहीं बच पाएगा। तुम भी बच जाओगे शक्तिमान, लेकिन इन सब मासूमों की जान से हाथ धोकर अब तुम भी दर्द का मतलब समझ जाओगे। स्त्री शक्ति से पंगा मत लेना शक्तिमान। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था रोनी, तुम्हें विहान की बात मान लेनी चाहिए थी और जुर्म का रास्ता छोड़ देना चाहिए था। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय जेल जाने के। विहान तो है ही भोंदू और साथ में तुम भी। मेरा रास्ता जेल के अंदर नहीं, जेल से बाहर जाता है, वो भी अपने एरिया में। जाते जाते मैं इस जगह को पूरी तरह तबाह करके जाऊंगा। ये तो बॉम्ब है। रहे हो टुच्चे टपोरी टुटपुंजिए चोर? लगता है एक बार और कामयाबी से बंदियों को हादसे से बचा लिया। अगर कभी तुम्हें मेरी प्रोफेशनल मदद की जरूरत लगे तो बेझिझक बुला लेना। नहीं नहीं एसीपी, ओ आप चाहे तो इसे डीएनए एविडेंस के लिए जांच करवा सकते हैं। क्या आप दोनों ठीक हैं? ऐसा लगता तो है। मैं ठीक हूँ, पर वेहान की हालत ठीक नहीं है। इसे होश आते ही ये ठीक हो जाएगा। ओ शक्तिमान,
हमें बचाने के लिए शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज है, सच में। सच में? जरूर, मैं हमेशा तुम्हारी और सबकी रक्षा के लिए लड़ता रहूंगा। वेहान, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ लीना। काश मैं भी शक्तिमान की तरह शक्तिशाली और बहादुर होता, फिर तुम मुझे भी गले लगाती ना। तुम्हें कैसे पता कि मैंने शक्तिमान को गले लगाया? तुम तो जमीन पर उल्टे मुंह लेटे हुए थे। मैंने शक्तिमान की परछाई देखी यहाँ पानी में।